विश्व का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद में संपन्न होता है, जिसे हम आप सब कुंभ अर्थकुंभ, 12वें साल पर कुंभ, 6ठे साल अर्थकुंभ, और हर साल डेढ़ महीने का मेला होता है, माघ मेला के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी अमावस्या का स्नान पर्व एक ऐसा स्नान पर्व होता है जिस दिन सर्वाधिक भीड़ होती है, चाहे वो कुंभ में हो। कुंभ में लगभग देश तो पूरा इकट्ठा होता ही होता है, विदेशों से भी लोग आते हैं। गांव का आदमी इस मेले में जाने की कैसे तैयारी करता है? अगर आप गए होंगे कभी उस मेले में, या आप अपने आसपास का ही मेला देखेंगे, तो मेले की संस्कृति लगभग एक सी होती है। जब तक सच झोला न हो, कमरी न हो, बोरा न हो, गोद में लड़का हाथ में एक के हाथ में उंगली पकड़ करके चल रहा है, तमाम तरह तरह की भीड़। गांव के आदमी की एक ही गठरी में सब कुछ होता है, उसी में चद्दर भी है, उसी में अचार भी है, उसी में राशन भी है, उसी में माचिस बीड़ी भी रखी हुई है, गठरी तो गठरी। वो अपनी पूरी गृहस्थी लेकर के चलता है। इस भीड़ को आप देखें गांव का आदमी किस तरह से तैयारी कर रहा है, और इसका नाम मैंने रखा है अमावस्या का मेला, यानी अमावस्या का मेला। ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा, एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा, एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा, या कमरी में केहू रजाई में केहू, या कथरी में केहू दुलाई में केहू, अयाजी रंगावत हई गोड़ देखा, अयाजी रंगावत हई गोड़ देखा, हंसत हूँ बब्बा तनी जोड़ देखा, कि आजी रंगावत हई गोड़ देखा, हंसत हूँ बब्बा तनी जोड़ देखा, घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, गठरिया में अबका रखा ही बतैया, एहर हुए लुग्गा ओहर हुए पूड़ी, रामायण के लगे हो मड़ुआ का ढूंढी, अचाऊर अचूरा किनारे के ओरी, अनैका चपलवा या चारे के ओरी, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। ये जब गठरी बंध जाती है तब ये भीड़ आती है रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेन के डिब्बों की क्या स्थिति होती है, मचल हुआ हल्ला चढ़ावा उतारा, मचल हुआ हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा, यहर गुर्री गुर्रा वहर लोली लोला, अब बिच्चे में हुए सराफत से बोला, कि यहर गुर्री गुर्रा वहर लोली लोला, अब बिच्चे में हुए सराफत से बोला, चपायल हक के हूँ दबायल हक के हूँ, घंटन से ऊपर टंगायल हक के हूँ, केहू हक्का बक्का केहू लाल पियर, केहू फनफनात हुए कीड़ा के नियर, अब अप्पा रे बप्पा या दैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़ा देता भैया। कि मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा, एहर गुर्री गुर्रा वहर लोली लोला, या बिच्चे में हुए सराफत से बोला, चपायल हके हु दबायल हके हु, घंटन से ऊपर टंगायल हके हु, केहू हक्का बक्का केहू लाल पियर, केहू फनफनात हुए कीड़ा के नियर, अब अप्पा रे बप्पा या दैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़ा देता भैया, मगर केहू दर से टसकले न टसके, टसकले न टसके, मसकले न मसके, छिड़ल हो हिताई नताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा, दरोगा का बदली करावत हो केहू, लग्गी से पानी पियावत हो केहू, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। इसी भीड़ में गांव का एक नया जोड़ा आया है, एक साल भर के अंदर का मामला है। आप जानते हैं हमारे आपके परिवार में जिस तरह की स्थिति आने वाली होती है, उस तरह की मनौती लेकर के लोग आते हैं, या तो स्थिति गुजर गई होती है तो उस तरह की मनौती लेकर, कोई आर पार की माला चढ़ाने के लिए आता है, कोई चुनरी पीरी, कोई गांठ जोड़ करके नहाने की, बिल्कुल नया जोड़ा, कुछ शुभ संकेत आने वाला है उस परिवार में, तो उसकी गति से ही उसकी अवस्था की जानकारी हो जाती है। गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे, गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, सजल देह जैसे हो गौने का डोली, हंसी हो बतासा सहद हुए बोली, देखल नी ठोकर बचावल नी धक्का, मने मन छुहारा मने मन मुनक्का। गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, सजल देह जैसे हो गौने का डोली, हंसी हो बतासा सहद हुए बोली, देखल नी ठोकर बचावल नी धक्का, मने मन छुहारा मने मन मुनक्का। फुटहरा नियर मुस्किया मुस्किया के, निहारे ली मेला सिहा के चिहा के, सबे देवी देवता मनावत चलैली, या नरियर पर नरियर चढ़ावत चलैली, किनारे से देखें इशारे से बोलें, कहीं गांठ जोड़ें कहीं गांठ खोलें, बड़े मन से मंदिर में दर्शन करैली, दूधे से शिव जी का अर्घा भरैली, चढ़ावें चढ़ावा या गोठें शिवाला, छुअल चाहे पिंडी लटक ना ही जाला, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। इसी भीड़ में गांव की दो लड़कियां 15-20 वर्षों के अंतराल के बाद मिलती हैं, बाल बच्चेदार हो जाती हैं, शादी वादी के बाद पहली बार मिल रही हैं।
एक तो औरतें दूसरे गांव की मिलने पर क्या बतियाएंगी कि कितने बच्चे हुए, कितने गहने बने, मर्द कैसा है, तुम्हारा ससुराल कैसी है, सास ससुर कैसे, यही सब बातें। देख 15-20 वर्षों का अंतराल और उसके बाद हाहा करके मिलना, यही में चंपा चमेली भेटेली, यही में चंपा चमेली भेटेली, या बचपन के दोनों सहेली भेटेली, ये अपन सुनावे वो अपन सुनावे, दोनों अपन गहना गदेला गिनावे, यही में चंपा चमेली भेटेली, ये बचपन के दोनों सहेली भेटेली, ई अपन सुनावे वो अपन सुनावे, दोनों अपन गहना गदेला गिनावे, अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ने अब तक पठौलू, कि अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ने अब तक पठौलू, न ई उन्हें रोके न ऊ उन्हें टोके, दोनों अपने दुल्हा का तारीफ झोंके, कि न ई उन्हें रोके न ऊ उन्हें टोके, दोनों अपने दुल्हा का तारीफ झोंके, हमें अपने सासू का पुतरी तू जाना, हमें ससुर जी का पगरी तू जाना, सहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पो चलत हुए चक्की, मने मन जरा या गड़े लगली दोनों, भयल तू तू मैं लड़े लगली दोनों, कि सहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पो चलत हुए चक्की, मने मन जरा या गड़े लगली दोनों, भयल तू तू मैं लड़े लगली दोनों, अ साधु छोड़ावें सिपाही छोड़ावें, अ हलुआई जैसे कराही छोड़ावें, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। इसके बाद वह स्थिति आती है जब आप संगम तट पर पहुंचे, मुख्य पर्व जहां स्नान पर्व होता है, जहां लाखों की भीड़ होती है, लोग इस तरफ उतरते हैं तो निकलते हैं उस तरफ, इसी में किसी का हाथ छूट जाता है, साथ छूट जाता है, सामान छूट जाता है, क्या खोया क्या पाया की स्थिति नहाने के बाद, कलौता के माई के झोरा हेरायल, कलौता के माई के झोरा हेरायल, अब बुद्धू का बड़का कटोरा हेरायल, टिकुलिया कमाई टिकुलिया के जो है, बिजुलिया कमाई बिजुलिया के जो है, मचल हुए मेला में सगरो ढुढ़ाई, चमेला का बाबू चमेला कमाई, गुलबिया 77 निहारत चले ले, मुरहुआ मुरहुआ पुकारत चले ले, अ छोटकी बिटुआ के मारत चले ले, बिटुए पर गुस्सा उतारत चले ले, कि गुलबिया 77 निहारत चले ले, मुरहुआ मुरहुआ पुकारत चले ले, अ छोटकी बिटुआ के मारत चले ले, बिटुए पर गुस्सा उतारत चले ले, गोवर्धन के सरहज किनारे भेटेले, कहाँ मिलती हैं जैसी सलहजें, मेला न होता तो मिलना भी मुश्किल था, गोवर्धन का सरहज किनारे भेटैली, गोवर्धन के संगे पौड़ के नहैली, तैर करके घरे चलता पाहुन, दोनों कंजूस हैं, कोई वहां खर्च नहीं करना चाहता, वो अपने घर बुला रहे हैं या वो पिंड छुड़ा रहे हैं, कि गोवर्धन का सरहज किनारे भेटैली, गोवर्धन के संगे पौड़ के नहैली, घरे चलता पाहुन दही गुड़ खियाईत, भतीजा भयल हो भतीजा दिखाईत, वहीं फेंक गठरी परैल गोवर्धन, न फिर दिखैल धरैल गोवर्धन, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। अंतिम पंक्तियां हैं, परिवार का मुखिया इस मेले में कैसे आता है यह दर्द वही जानता है, उसके साथ जो लोग आते हैं वे अपने राग रंग में है, कोई नुमाइश में चला जाता है, कोई प्रवचन सुनता है, कोई दुकानदारी करता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदता है, मुखिया जाड़े के दिन होते हैं वो आलू बेच करके आया है कि धान बेच करके आया है, मवेशी बेच करके आया है, कितने कर्ज के साथ आया है और आने वाले दिनों में उसको क्या करना है, इन तमाम चिंताओं से घिरा रहता है, लेकिन उसके साथ के लोग अपने अपने राग रंग में और वह अपने दर्द के साथ, केहू साल स्वीटर दुसाला मोलावे, केहू बस अटैची का ताला मोलावे, केहू चायदानी पियाला मोलावे, सठौरा का केहू मसाला मोलावे, अनुमाइस में जाते बदल गईली भौजी, अब भैया से आगे निकल गईली भौजी, आयल ही डोला मचल गईली भौजी, अ देखते डरामा उछल गईली भौजी, अब भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, अब भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, भुलैले न भूले पकौड़ी का मर्चा, कि भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, भुलैले न भूले पकौड़ी का मर्चा, बिहाने कचहरी कचहरी का चिंता, बहनिया का गौना मसहरी का चिंता, फटल हुए कुर्ता टूटल हुए जूता, खलिता में खाली किराया कबूता, तबो पीछे पीछे चलत जात हुए गदोरी में सुरती मलत जात हुए, अमौसा का मेला अमौसा का मेला, यह हुए भैया।